खबर देवरिया जनपद से। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज और मरीजों के लिए निःशुल्क दवाओं को उपलब्ध करा रही है, लेकिन मरीजों को इसका फायदा मिलता नहीं दिख रहा। जिनका जीता जागता उदाहरण राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय सीसी रोड देवरिया है, जहां पर तैनात कर्मचारियों द्वारा लगातार विगत कई महीनों से दवा के बदले पैसा मांगने का कई वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। इस मामले को आजाद हिंद सेना के अध्यक्ष ऋषि पांडे के जोर शोर से उठाने के बाद जिला आयुर्वेद और यूनानी अधिकारी ने अपने चहेतों को बचाते हुए वार्ड बॉय को निलंबित कर दिया। आजाद हिंद सेना के संस्थापक ऋषि पांडे ने कहा कि देवरिया में तैनात आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सक की देखरेख में ही सारा खेल चल रहा है। इस संबंध में जब जिला आयुर्वेद चिकित्सक से बात की गई तो उनका कहना है कि इस प्रकरण वार्ड बॉय के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है। पूरा मामला राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय सीसी रोड का है, जहां पर लगातार मरीजों की दवाओं के बदले यहां पर तैनात फार्मासिस्ट द्वारा पैसे की मांग की जाती रही, जिसकी शिकायत लगातार जिला चिकित्सक आयुर्वेदिक एवं यूनानी तक को की जा रही थी, लेकिन लगातार शिकायत के बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी यहां पर तैनात कर्मचारियों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे थे। जब ये मामला मीडिया में पहुंचा तो अपने तथा अपने चहेतों के बचाव में वार्ड बॉय को निलंबित कर दिया गया। यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यह है, बिना फार्मासिस्ट के मिलीभगत से वार्ड बॉय दवा कैसे बेच सकता है? आखिर फार्मासिस्ट को क्यों बचाया जा रहा है, जबकि दवा मरीजों को देने की पूरी जिम्मेदारी फार्मासिस्ट की है। आयुर्वेदिक चिकित्सालय जो आपके सीसी रोड पर है 25 सैया का, वहाँ पे आपके कर्मचारी द्वारा प्राइवेट दवाएं बेचे जाने का आरोप लगा है, क्या मामला है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है? उसमें मामला ये है कि क्योंकि वो 2 तारीख को वो सनी कुमार गुप्ता वार्ड बॉय द्वारा दवा दी गई थी मरीज को, लेकिन पैसा तो उसका लिया नहीं गया था। फिर क्योंकि मरीज उनके द्वारा बताया गया कि दवा बाहर से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, तो ये तो गलत बात है। दवा कोई भी बाहरी दवा अंदर नहीं रखना चाहिए, उन पर कार्रवाई कर दी गई है। बाकी चिकित्सा अधिकारी फार्मासिस्ट भी अगर उसमें इन्वॉल्व हैं उनके लिए भेज दिया गया है। आपका कहना है कि पैसा नहीं लेते हुए है उसमें वीडियो, लेकिन साफ तौर पे जो वीडियो बनी है उसमें साफ तौर पे पैसा मांगते हुए है, तो ये बात कैसे कह रहे हैं कि आप पैसा नहीं है? नहीं, पैसा उसमें लिया नहीं गया है, लेकिन ये है कि पैसा मांगा गया है उसमें। नहीं, ये भी कहा गया है कि आप पैसा दीजिए तो आपको दवा दी जाएगी, नहीं तो फिर पैसा नहीं देने पर वो दवा छीन ली यहाँ से। ऐसा उसमें लिखे हैं, लेकिन अब वो तो वीडियो में है नहीं। तो वार्ड बॉय की वृद्धि केवल कार्रवाई की गई है, जबकि वहाँ पे फार्मासिस्ट भी होगा, उसके लिए क्या कह रहे हैं निदेशक महोदय हैं, उनको मतलब लेटर लिख दिया गया है वहाँ से जो भी कर। आज आप कहाँ आए हुए हैं? क्षेत्रीय अधिकारी यूनानी एवं आयुर्वेद विभाग डॉक्टर दिनेश कुमार चौरसिया जी से मिलने हम आए हैं। मामला यह है, प्रकरण ये विगत दिनों उनके एक नगरीय स्वास्थ्य केंद्र पर पैसे दवा के बदले पैसे लेने का वीडियो हमने जारी किया था, जिसमें माननीय जिलाधिकारी जी के हस्तक्षेप के बाद इन्होंने तत्काल में आनंद फानंद में एक वार्ड बॉय को निलंबित कर दिया। मेरा उस निलंबन पर यह प्रश्न मैं खड़ा करता हूँ और मैं यह पूछना चाहता हूँ निलंबन पर कि आखिर फार्मासिस्ट पे क्या कार्रवाई हुई, उस डॉक्टर पे क्या कार्रवाई हुई, जो कि फार्मासी जो कि चतुर्थ श्रेणी का वह कर्मचारी साफ तौर पर बोल रहा है वीडियो में कि जो दवाएं पर्चे पे पीछे लिखी जाती हैं वह दवाएं डॉक्टर साहब बाहर से बेचने को कहती हैं, तो वह दवा हम लोग लिखते हैं। मैंने इस आशय के उनको 3 पर्चे दिए हैं जिस पर पीछे दवा लिखी गई है, जो साबित करता है कि डॉक्टर की मिली भगत से यह कह रहा होता है। दूसरा चीज़, मैंने 3 पर्चे दिए हैं जो 3 अंतराल में है, महीनों का अंतराल। का आरोप क्या है? मेरा आरोप है इस सस्पेंशन में मिली भगत किया गया है और यह सस्पेंशन किसी दबाव में डॉक्टर और फार्मासिस्ट को बचाते हुए छोटे कर्मचारी को बलि का बकरा बनाया गया है। आखिर जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार इसका फार्मासिस्ट और डॉक्टर है, वीडियो में भी है और क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर दिनेश चौरसिया साफ तौर पर इसमें जिम्मेदार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि महीने तक उन्होंने इस मामले को सिर्फ टाला। जब हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले तब उन्होंने इस पर एक्शन लिया और एक्शन के रूप में भी एक छोटे कर्मचारी को बलि का बकरा बना दिया। राजकीय चिकित्सालय पे जो आयुर्वेदिक चिकित्सालय है वहाँ पे प्राइवेट दवा रखने का औचित्य क्या है, इस पर आप बताएंगे? कोई औचित्य नहीं, अनर्गल है, ब्लैक मार्केटिंग है, दवा का गोरख धंधा है और यह शहर का हाल है। मेरा कहना है आप मीडिया बंधुओं से कि आप लोग देहातों में जाइए, जो इनके दर्जनों ब्रांच है वहाँ क्या होता होगा, यह तो शहर में है, सबकी निगाह में है, तो यह हाल है। क्या नाम आपका? मैं ऋषि पांडे, एडवोकेट
संस्थापक आजाद हिंद से।